Hey guys, welcome and welcome back to my channel Pre Style. और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा ब्लीच है. प्यारा सा, हाँ प्यारा सा ही समझ लो आप लोग. खैर मैंने इसे एक बार यूज़ किया था, रिजल्ट अच्छा लगा था मेरे को. जब मेरे भाई की शादी थी फरवरी में, तो उस टाइम मैंने यही वाला ब्लीच का यूज़ किया था. एंड इसका नाम है आयुषन वाइटनिंग ब्लीच. ड्रैगन फ्रूट से ये बना हुआ है, ये कुछ इस टाइप का है, आप देख लो. तो अभी ना मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, मतलब पानी पीने के बाद पता नहीं इतना कौन मुझे याद कर रहा है. आई थिंक मेरी मम्मा याद कर रही है. तो गाइज़ ये आयुषन का वाइटनिंग ब्लीच है, इसमें टी टैन भी है. अगर आपके फेस पर टैनिंग की प्रॉब्लम होगी तो उसे भी ये रिमूव करता है. तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये ना 100 ग्राम का बॉक्स है, ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है. अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. ये ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सब स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है. एंड ये 100 ग्राम का पैक आपको मिल जाता है. इसका प्राइस है मात्र 200, इसका MRP है 200. एंड इसकी ना सेल्फ लाइफ इसकी है ना 3 ईयर की है. तो मैं आपको बता दूँ, ये वाला बॉक्स मैंने ख़रीदा नहीं है, भाड़े पर लिया है. तो ये वाला बॉक्स मैं अपने मायके से लाई थी, अपनी सिस्टर से लेकर, क्योंकि ये बॉक्स उसका है. तो मैंने उसको बोला था कि इसका मैं एक बार वीडियो बना लूँगी, उसके बाद वापस कर दूँगी. तो आप लोग को मैं सच बता रही हूँ, तो ये बॉक्स मेरा नहीं है, फिर मुझे उसे रिटर्न करना है. तो एक बार मैंने अपने भाई के शादी में यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था. तो और अभी मैं सेकेंड टाइम यूज़ करने वाली हूँ आप लोग के सामने. और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा मेरा वॉइस, तो आप लोग थोड़ा सा कवर कर लेना, क्योंकि मेरा थोड़ा ना गला भी ख़राब है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है गला में उसकी वजह से. तो गाइस चलिए ये वाला ब्लीच आपको दिखाते हैं कैसा है, और इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा वही मैं आपको दूंगी, कोई फेक नहीं. और हाँ आपको बता दूँ, ये ना लोकल मार्केट में नहीं आपको मिलेगा, मतलब बहुत ढूंढने पर मिलता है कहीं कहीं जगह, मुझे नहीं मिला था. और ये वाला आपको ना ये क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो. तो इतना बड़ा सा बॉक्स मिल जाना है आपको. ये हो गया ब्लीच क्रीम है इसमें. एंड ये है एक्टिवेटर पाउडर. फेस तो मेरा फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है. अब हम यूज़ करने वाले हैं प्री क्रीम ब्लीच है. तो इसका लिखा हुआ है इस बॉक्स पे कि सबसे पहले इसको यूज़ करना है, जो प्री वाला होता है क्रीम. हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर ब्लीच. तो ब्लीच में आपको एक्टिवेटर को मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा एक्टिवेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्टिवेटर यूज़ करने से ना हेयर जो होता है, फेस का हेयर बहुत गोल्डन ब्राउन दिखने लगता है, और एक्टिवेटर हमारे स्किन के लिए अच्छा भी नहीं होता है. इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेंगे. ये क्रीम का टेक्सचर कुछ इस टाइप का है, वाइट है, प्रॉपर वाइट है, स्मेल भी अच्छा है. फेस एंड नेक एरिया मेरे को लगता है इतना काफ़ी है, इतना क्रीम काफ़ी है मेरे लिए. गाइज तो इसका एक्टिवेटर का कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल, और ये कलर मेरे को भी बहुत पसंद आ रहा है, ट्रेंडिंग कलर है ये. तो इसका कलर है लेवेंडर कलर, देख लो कुछ इस तरीके का है. तो इतना सारा नहीं लेना है, ये आपको बस हम दिखा रहे थे, थोड़ा सा लेंगे करीब इतना, मतलब ये चुटकी से जैसे हम लोग लेते हैं ना वैसे ही है, थोड़ा सा है. इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत दाना दाना टाइप का होता है, दानेदार होता है ये. तो ब्रश की हेल्प से आपको मिक्स कर लेना है, फिंगर से भी मिक्स कर सकते हो, बट मैं ब्रश की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ. बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, मतलब इतने अच्छे से कि एकदम अच्छे से एकदम क्या बोलते हैं, फ्लफी हो जाए मक्खन की तरह.
5 मिनट से भी मैंने लगा लिया है, और मुझे पूरे 10 मिनट का वेट करना है, 10 से 15 मिनट का आपको वेट करना है। तो हम यहाँ पर 10 मिनट का वेट करेंगे एंड उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे। डब्बा पे तो ऐसे लिखा हुआ 15 मिनट, तो आप 15 मिनट भी वेट कर सकते हो, 10 मिनट भी कर सकते हो, 10 से 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके फेस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम 10 to 15 मिनट का वेट करते हैं। तो चलो गाइस, तब तक थोड़ा सा रोकते हैं इस वीडियो को एंड उसके बाद मिलते हैं 15 मिनट। तो अभी ना पूरी 12 मिनट हो चुके हैं और हम 3 मिनट का और वेट कर रहे हैं, और ये ना बहुत पसीना आ रहा है मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा, और इसे हम ना फिंगर के हाथ से मिक्स कर लेंगे। कोई सा भी ब्लीच आप अप्लाई करते हो ना, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसे ऐसे ऐसे मिक्स कर लेना फिंगर की हेल्प से, या फिर आप ब्रश से भी कर सकते हो। और ये बहुत अच्छे से हो चुका है, देखकर ही पता लग रहा है। बहुत सारा ब्लीच होता है वो ड्राई हो जाता है, और बहुत सारा ब्लीच होता है जो इस टाइप का हो जाता है क्रीमी क्रीमी, तो ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर वाइट कलर का है। और गाइज, तब तक 3 मिनट बिताना है, तब तक मैं आप सब से कुछ बातें कर लूँ। तो ये जो आयुषन का वाइटनिंग ब्लीच है ना, ये ड्रैगन फ्रूट से बना हुआ है, और ड्रैगन फ्रूट हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप एक बार देख लेना, सर्च कर लेना, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट ना खाने से भी और लगाने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं, और उसी ड्रैगन फ्रूट का इस ब्लीच में यूज़ किया गया है। जो ड्रैगन फ्रूट होता है वो हमारी स्किन को लाइटनिंग बनाता है, ब्राइटनिंग बनाता है, साथ ही साथ वाइटनिंग भी करता है, एंड आपके स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो लाता है, और स्पेशली तो आपके फेस को वाइट करता है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और ये वाला जो ब्लीच है ना, ऑल स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। और इसमें एक चीज़ स्पेशल और भी है कि ये डीटेन पैक की तरह है, मतलब डीटेन की अगर आपको टैनिंग की समस्या है ना, तो उसे ये रिमूव करने में बहुत ही हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपके अनइवन स्किन है तो उसे भी ये बैलेंस करेगा, और आपके फेस को एक अच्छा सा निखार देगा। तो अगली बार आप लोग भी बिल्कुल इसका यूज़ करना। फिलहाल अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ क्या आएगा, मेरे को अभी याद नहीं, 2 महीने पहले का रिजल्ट शायद अच्छा ही आया था, बट देख लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा इसको रिमूव करने फटाफट। गाइज, अब रिजल्ट आप सभी के सामने हैं, तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट इसका। इसके बारे में मैंने सुना था और लगाया भी है, एक बार लगाया था, एंड ये सेकंड बार जो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्या रिजल्ट है चलो देखते हैं। रिजल्ट आपको दिख रहा होगा फेस पर, ग्लो आया है नहीं आया है, फेस वाइटनिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है। ब्लीच का थोड़ा असर ना आपको ना एक दिन के बाद पता चलेगा, ठीक है, और इसका लाइट रहता है करीब 15 दिनों तक रहता है, बहुत अच्छा। और ब्लीच आप ना मंथ में एक बार करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे आप 15 डेज पे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, बट मेरे को मंथ में एक बार करना सही लगता है। और इस बार तो मैं थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो मैं आपको कभी बताऊँगी। तो इसको हम रिमूव कर लिए, अब हमको अप्लाई करना है इसके ऊपर ये वाला पोस्ट क्रीम जो मिला है, इसको अप्लाई करेंगे। पहले फेस को थोड़ा सा अच्छे से और क्लीन कर लेते हैं, जो भी इधर उधर लगा हुआ है वो हटा लेते हैं। गाइस, तो मेरा फेस यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, और आपको दिख रहा होगा फेस पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, ये धीरे धीरे और चढ़ेगा। और अभी हमको यूज़ करना है ये वाला पोस्ट क्रीम, इसका भी स्मेल बहुत अच्छा है। गाइज, तो मुझे रिज़ल्ट काफ़ी पसंद आया, आई होप आप लोग को भी वीडियो बहुत पसंद आएगा। और अभी ना तीज का फेस्टिवल आने वाला है, तो आप घर बैठे ये ब्लीच कर सकते हो एंड अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड चलो मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।